हेलो स्टूडेंट्स, सोशल साइंस फिफ्थ क्लास लेसन फर्स्ट सुपर सेंसेस। आप लोगों को पता है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसमें कितने सेंसेस होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आई नोज। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग। आपने कभी देखा है कि आप कभी खाना खा रहे हो ग्राउंड में बैठ के, आपके घर पर बैठकर बाहर या फिर आपके टेरेस पर, वहाँ पर आप खाना खा रहे हो और एक ईगल आया और आपकी रोटी उठाकर ले गया, या आप जो भी कुछ खा रहे हो वो उठाकर ले गया। यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन ही ग्राउंड एंड विथ इन मिनट्स मेनी एंट्स कलेक्टेड अराउंड इट। या आप कभी कुछ खाना खा रहे हो, कोई स्वीट डिशेस ले रहे हो, खा रहे हो और नीचे कुछ उसका बाइट गिर जाता है और थोड़े ही टाइम में चींटियाँ आ जाती है ना? ये आपने को सब कुछ ऑब्जर्व किया होगा। एज यू वॉकड सॉफ्टली पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, आप एक डॉग है जो सोया हुआ है उसके पास से आप गुजर रहे हो, इट्स ईयर्स शूट अप एट वंस, और उसका सडनली क्या हो जाता है, कान खड़ा हो जाता है और एक आंख से वो आपको नोटिस कर लेता है कि हाँ, आप उसके पास से कोई गुजरा है। वाई डज इट हैपन, ऐसा क्यों होता है, थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ कि ऐसा क्यों होता है, सोचो ये सारी चीज़ें। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, एनिमल्स के अपने अपने अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक एनिमल में ये वाला सेंस हो तो दूसरे में ये ना हो, या उसमें ये हो तो उसमें ये ना हो, ऐसा डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस होते हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी में 5 सेंसेस होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, वे सुन सकते हैं, हियर कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल एंड फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, प्रे मीन्स होते हैं यहाँ पर शिकार, और कुछ एनिमल्स होते हैं जो अपना जो शिकार है वो बहुत दूर से भी देख लेते हैं। सम कैन हियर इवन द फाइनेस्ट साउंड, और कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत दूर से भी अपना जो या अपने से रिलेटेड की आवाज़ सुन सकते हैं बहुत दूर से भी। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, और कुछ ऐसे होते हैं एनिमल्स जो अपने फ्रेंड की जो उसको आइडेंटिफाई करना हो, ढूंढना हो, तो वो उसकी स्मेल के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। द एनिमल वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, एनिमल वर्ल्ड क्या है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन लोगों के पास अमेजिंग सेंसेस होते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ डिड द एंट रिकग्नाइज अ फ्रेंड, अब एंट अपने फ्रेंड को किस तरह रिकॉग्नाइज करती है, किस तरह रिकॉग्नाइजेंस पहचानती है। एंड एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, एक चींटी अकेली जा रही, इट्स अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, उनका जो एक एक चींटी जा रही है ना, उधर से दूसरी की पूरी जो ग्रुप है वो चींटियों का वो आ रहा है। द फर्स्ट एंट क्विकली कम बैक टू इट्स होल, और एक फर्स्ट एंट जो जल्दी से अपने होल में चली जाएगी। द एंट गार्डिंग द होल रिकग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन, वो जो फर्स्ट एंट होती है वो गार्ड एंट होती है, वो क्या करती है अपने होल में चली जाती है और जो दूसरी उसकी फ्रेंड रहती है वो उसके पीछे पीछे उसके होल में चली जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर से इसकी पिक्चर्स में आपको सेंड कर दूंगी। नेक्स्ट, मेनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, ही फाउंड आउट दैट एज एंट्स मूव दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर एंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। पहले कई साइंटिस्ट हुए, उन साइंटिस्ट ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, तो उनको क्या पता चला इससे कि एक एंट जो होती है वो अपने पीछे की स्मेल छोड़ के जाती है और दूसरी जो अदर एंट्स होती है वो उस स्मेल को फॉलो करती ही जाती है। इसलिए हम अधिकतर देखते हैं कि जो एंट है वो एक लाइन में चलती है हमेशा, है ना, एक ही लाइन में चलती है वो।
तो इस तरह वो स्मेल को फॉलो करती हुई चली जाती है उसी पाथ पर. नाउ कैन यू गेस व्हाई द एंट्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक्ड देयर पाथ. अब आप कभी एंट का ये एक्सपेरिमेंट करने के, आप भी घर में एक से छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट कर देना कि आप एंट जा रही है और किसी भी एंट का पाथ ब्लॉक करते हैं तो वो किस तरह बिहेव करेगी. सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकग्नाइज देयर फीमेल बाय देयर स्मेल. कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े होते हैं, मेल इंसेक्ट्स होते हैं मतलब नर है ना, जो मेल होते हैं वो अपनी फीमेल को कैसे रिकग्नाइज करते हैं तो उनकी स्मेल के थ्रू. हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज. जस्ट थिंक, आप कभी मॉस्किटो से ट्रबल्ड हुए, उन्होंने आपको परेशान किया है, मोस्टली किया ही होगा. हाउ डू दे नो वर यू आर. वो कैसे पता चल जाए कि आप, हाँ आप एक रूम खाली है ठीक है, उस रूम में जैसे आप एंटर करते हो जाके बैठते हो और आके मच्छर काट के चला जाता है आपको, तो आपको उनको कैसे पता चलता है कि आप अंदर आए हो. तो आपकी कैसे पता चलता है ये, आपकी स्मेल से. मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी. आपकी बॉडी की स्मेल से वो आपको फाइंड आउट कर लेते हैं. दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द आपके जो पैर रहते हैं उसके सोल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड हीट ऑफ योर बॉडी, आपकी बॉडी की हीट से है ना, हमारी बॉडी में हीट रहती है उससे भी वो हमको फाइंड आउट कर लेते हैं. ये क्या है, सिल्क वॉर्म है ना, रेशम का कीड़ा जिसे हम कहते हैं. आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल. ये बोल रहा है कि मैं कई किलोमीटर दूर से, कई किलोमीटर दूर से मैं अपनी फीमेल पार्टनर को पहचान सकता हूँ. ओके, ये क्वेश्चन आंसर है. डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. दे कैन मेक आउट इफ अनादर डॉग हैज कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन एंड पॉटी. अब आपने देखा होगा कि हर जो डॉग्स होते हैं या फिर कोई अदर एनिमल्स होते हैं उनका अपना एक एरिया होता है. अगर उनके एरिया में कोई दूसरा एनिमल चला जाता है तो वो उसको वहाँ से भगा देते हैं है ना. तो इनको कैसे पता चलता है कि ये अपना एरिया है, तो ये कैसे पता चलता है कि वो उस एरिया में आपकी वो यूरिन फ्लश आउट करते हैं, पॉटी करते हैं, उससे उनकी अपनी एक अलग स्मेल होती है तो उससे वो फाइंड आउट कर लेते हैं कि हाँ ये हमारा एरिया है और ये हमारा पार्टनर है. ओके,